राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ढोकला तो देखा ही होगा, खाया भी होगा। आज हम आपको बताते हैं खमन ढोकला के बारे में, जो गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है। दोस्तों, आप हमारी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट rashidkitchen.com पर भी देख सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद की भाषा पर, जिस भाषा में आप चाहेंगे उस भाषा में आप हमारी वेबसाइट को वॉच कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी खमन ढोकला। चलिए शुरू करते हैं गुजरात की फेमस ढोकले रेसिपी। इसमें हम इस तरह से 2 कटोरी बेसन लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब लेते हैं 2 कटोरी बेसन, इसको भी बिल्कुल वैसे ही छान लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, इतनी चला देते हैं चम्मच से। थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी मिलाने के लिए। आप अंदाज़ लगा लें, जितने पानी की आवश्यकता हो उतना आप इसमें मिक्स करते जाएँ। और अब हम इसको ढक के रखते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि जो भी हमारे ढोकले बने वो बहुत ही सॉफ्टी, बहुत ही पफी बने। और आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटे के बाद हमने इसको फिर से देखा है। एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, चला लेते हैं इसको। जितना हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ढोकले में, उतना ही अच्छा सॉफ्टनेस आएगी। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन जब चलाएंगे उसको तो उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें ऐड करते हैं ये इनो, इसको बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लगभग आधी चम्मच, लगभग इतना इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, चला लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ें, इनो और सोडा, आपको कहीं भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें मिलाने के बाद इसका बैटर का टेक्सचर बदलने लगा है। और अपने बैटर को रखते हैं दूसरी तरफ, करते हैं ग्रीसिंग की तैयारी, जिसमें हम अपना ढोकला तैयार करेंगे। इस तरह से हमने ये केक बनाने का बर्तन लिया है, इसमें हमने ग्रीसिंग कर ली है, बहुत अच्छी तरह से लगा ली है चारों तरफ में। आप चाहेंगे तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो बर्तन, उसमें आप ढोकले को बना सकते हैं। और इसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे अब मिक्सचर को इस बाउल में। तो आप देख सकते हैं इस बर्तन में हमने ये बैटर तैयार कर लिया है, इसको भर दिया है। अब हम चलते हैं एक दूसरी प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, बहुत तेज़ गर्म पानी है। इसमें हम बेस के लिए रखेंगे इस तरह से कोई भी बर्तन, आप चाहेंगे तो जाली वाला भी रख सकते हैं, हमने अपने में इसमें ये रख दिया है। और इसके बाद हम इसमें एडजस्ट करेंगे इस तरह से, जो बैटर तैयार किया था उसको भी हम इसमें रख देते हैं, ढक देते हैं, कवर कर देते हैं पैन को। और अब जब हमने पैन कवर कर दिया है, तो हम गैस का फ्लेम लो कर दें और वेट करें 1/2 घंटे के लिए। दोस्तों, 30 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से पक गए हैं अब, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम तैयारी करते हैं एक दूसरी पतीली को, हमने रख दिया है गैस के ऊपर, स्टील की पतीली का यूज़ किया है। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी, डालते हैं थोड़ा सा तेल। और हमने इसमें यूज़ किया है ये कड़ी पत्ते हैं इतने, ये हरी मिर्च हमने लंबी लंबी काट के रखी हुई है, ये राई है, और ये लेमन है, एक नींबू को हमने काट के रख लिया है। और सबसे पहले हम डालते हैं राई को, इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, और फिर कड़ी पत्ते, और ढक देते हैं पतीली को। और इसको चला देते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे, और लगभग 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम शक्कर भी मिला देते हैं इसमें, और इसके साथ ही एक नींबू को हमने इस तरह से रस निकाल कर रखा था, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी खौलने लगा है, अब हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलते हैं ढोकले के पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से ढोकले तैयार हो गए हैं। अब इसको हम थाली में पलटते हैं, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्पॉन्जी ढोकले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं।
और दोस्तों हम इसको पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत बराबर बराबर पीस निकालते हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ढोकले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ढोकले हमारी बाउल में आ चुके हैं। तो हम अब इसमें मिलाते हैं मीठा वाला तड़का जो हमने तैयार किया था, आपने देखा था पहले। सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, इसमें राई का यूज़ किया था, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च है। तो आप देख सकते हैं ये ढोकले बनकर पूरी तरह से तैयार हैं, और आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कितने ही शानदार ढोकले आपको दिखने वाले हैं, लगने वाले हैं, और उतने ही टेस्टी सब लोग तारीफ़ करने वाले हैं कि ये भी ज़रा से हटके हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने आज खमन ढोकला बना लिया। आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये रेसिपी भी ज़रा सी हटके है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमें हमारे चैनल को नई दिशा देने में बहुत मददगार होते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।